Hi guys, welcome back to a new video. This is my survival series and I want to tell you one thing. This world is pre-generated to prevent lag. And second thing, I have installed some data packs such as timber which allow me to chop down trees in one instant, and also some mods like ore vein mining which help me a lot. So if you think that's a bit cheeky, then please tell me in the comments and I will fix that. So guys, our first mission is to build an axe. So and for that we need a crafting table along with some planks. And you guys can see that our axe is ready. And this axe can chop trees very good. Now you guys might be thinking, what are my goals? My goals are nothing else rather than just beating the dragon and wither and then getting all the achievements and try to accomplish at least some of the farms. Because all farms are impossible, but I can get some. Wait a second, my display is lagging a lot. What's causing the issue? Later in the next episode, meanwhile, let's continue our tree chopping. By the way, my axe is pretty low. This axe is useless now. Now guys, let's see if there is a cave here, and yes, there is. So now I am gonna get I don't have logs. Pretty exciting guys. And the second task is to get as much cobblestone as possible. And guys, it is getting pretty night, so let's hunt some sheep for their wool, and hence it might help me survive the night. And guys, don't fear, I won't use that village to my head start just because I know it exists. Well guys, let me tweak my settings so that I can reduce the lag to 0. Meanwhile, I will be back in 5 to 10 minutes. Sorry guys, I changed my pack back to system because I think that this looks much better. The old pack was just getting on my computer a lot. So I thought let's just change it for something that is more PC friendly for me. I have a graphics card. Actually, my studio PC is burnt up because of a guys, Hindi bolunga. Ab aap jante hain, hum log India mein rehte hain. तो इंडिया में जिस्को नामक एक कंपनी है जिस पर बहुत विश्वास है हम लोगों को कि ना वो कभी बिजली का धोखा देता नहीं है ना. तो गाइस, हमने उस पर विश्वास करके कोई स्टेबलाइज़र लगाया है नहीं. मेरा एक खुद का रूम है तो उसमें मेरा कंप्यूटर था और वो जो रूम है, मेरे घर में दो फेजेस हैं, तो मेरा वो जो रूम है वो सेकंड फेज पर चलता है. सेकंड फेज का कोई क्या कहते हैं मतलब प्रोटेक्शन नहीं है. इसके कारण से एक पावर सर्ज आया था कुछ दिन पहले जिस्को से. अगर आपको चाहिए तो आप जिस्को से कन्फर्म कर सकते हैं. कुछ एक पावर सर्ज आया था इसके कारण से मेरा जितना क्या कहते हैं घर का अच्छा जो चीज़ मेरा अनप्रोटेक्टेड था वो उसको दिक्कत हो गई.
तो इसलिए गाइज मेरा जो अच्छा पीसी था जिसमें मैं शेडर्स रन करता था, मॉड्स रन करता था, वो बिल्कुल मतलब बेकार हो गया। मतलब क्या बोलेंगे, एक तरह से बिल्कुल मतलब ख़राब ही हो गया। तो उसको अभी फिक्स करने को दिया, तो बहुत जल्दी मेरा नया माइक, नया सेटअप आएगा और तब मैं अपना फेस रिवील के साथ आपको वापस मिलूँगा। अब गाइज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं अभी, तो इसका मतलब हम तो अभी थोड़ा सा उतना बड़ा बंगलो तो बनाएंगे नहीं, हम लोग बनाएंगे एक छोटा सा हॉबिट होल। अगर आपको हॉबिट होल का मतलब पता नहीं तो आप कृपया करके विकिपीडिया पढ़ लीजिए, वहाँ पर सब कुछ मिलता है। पहले तो मैं एक शवल बनाना चाहूँगा, क्योंकि गाइज बिना शवल के बहुत दिक्कत हो रही है हमें। तो एक छोटा सा हॉबिट होल बनाते हैं। और कहाँ बनाए कहाँ बनाए कहाँ बनाए, यहाँ ठीक नहीं है, इधर ठीक लगता है। अब गाइस आप मेरा सीरीज देख रहे हो तो ज़्यादा बिल्डिंग की अपेक्षा मुझसे करिएगा मत, क्योंकि मुझे बिल्डिंग करने आती है। तब भी मुझसे जितनी बन पड़ेगी मैं सब करूँगा, और आप लोगों के लिए तो कंटेंट चाहिए ही, तो उसके लिए जो हो सके मैं सब करूँगा गाइस। फिलहाल तो ये रात हो रही है तो मुझे जाकर थोड़े शीप हंटिंग कर लेनी चाहिए, तो उससे वूल बनेगा, वूल से मुझे क्या कहते हैं अच्छी चीज़ें मिलेंगी। वैसे कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरी, 300 170। चलिए ओ काउस, तो बी रेडी फॉर बिकमिंग माई फूड। ज़्यादा वायलेंट तो नहीं हो गया गाइस, अगर होगा तो बताइएगा, कमेंट सेक्शन तो है आप लोगों के लिए। ये क्या है, नहीं मतलब इतने मॉब्स हैं कहाँ गए सब। ओके गाइस चलिए, मुझे तो जो चाहिए था वो तो मुझे मिल गई, तो अब हम लोग चलते हैं घर। एक्सपी बड़ी सही है, डैमेज भी अच्छे खासा दे देती है, और क्या कहते हैं हॉट बार में एक स्लॉट भी बचता है। मेरे से लड़ने आए, मेरा घर कहाँ चला गया। तेरी मेरा घर कहाँ गायब हो गया, यहीं पर तो बनाए थे ना गाइस हमने घर। अभी लगता है चोरी हो गई। दे आर अप्रोचिंग, ओ यस गाइस वहां पर मुझे कुछ दिख रहा है, मुझे लगता है यहीं पर। यस मत 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 मारना मत मारना, ओह चलो मर गया। अब गाइस मेरे हाथ में जो आएगा मैं उसी से उसको ब्लॉक कर लूँगा, और ब्लॉक करके बेड बनाया जाए। माय गॉड मैं क्या करूँ, लगता है जितना फूड है सब बर्बाद करना पड़ेगा। पूरा गैंग लेकर आ रहे हैं ये लोग। ओह माय गॉड मेरा
ये कीप इन्वेंट्री ऑन है, मुझे पता ही नहीं था। अब गाइस मैं हूँ एक अभी अभी ज्वाइन किया हुआ यूट्यूबर, और अभी सब कुछ एक बार में खो देना मुझे बहुत दुख होगा, तो इसलिए गाइस मैंने क्या कहते कीप इन्वेंट्री ऑन रखा है। सॉरी गाइस, परेशानी के लिए खेद है, मैं थोड़ा सा मम्मी के पास गया था। अब गाइस मम्मी सबसे पहले है, आप लोग जाए हुए तो और आ जाएंगे, मम्मी गई तो फिर से और तो आएगी नहीं। तो गाइस एक छोटा सा घर बनाते हैं, गाइस आप लोग देख सकते हैं इतना बड़ा घर काफ़ी नहीं है हम लोगों के लिए, तो हम लोगों को थोड़ी बड़ी घर चाहिए, तो उसके लिए गाइस हम लोग सबसे पहले इधर से एक्सटेंड करेंगे, और सबसे पहले अपना बेड प्लेस करेंगे और अपना स्पॉन सेट करेंगे, फिर क्राफ्टिंग टेबल साइड में अलॉन्ग विथ अ लॉट ऑफ चेस्ट। अब गाइस चेस्ट प्लेसिंग करेंगे तो भी बिल्कुल स्टाइल में चेस्ट प्लेसिंग करेंगे गाइस, एक तो, और ये होगा मेरा पर्सनल चेस्ट। ओके गाइस, तो हम लोग एक नया टूल्स का सेटअप लेकर आ जाते हैं, बेकार टूल्स। वन टू थ्री, हो तो गाइस इधर में मैं अपने रखूँगा जितना लकड़ी है सब इसमें घुसा देते हैं, और क्या लकड़ी है मेरे पास, यस गाइस एग्रीकल्चरल लकड़ी सब इसमें जाएगा, तो जितना पत्थर ये टाइप का है सब इधर जाएगा, और जितना मॉब ड्रॉप्स है सब इधर जाएगा। गाइस तो कुछ थोड़ा ब्लॉक्स ले लेते हैं हम, थोड़ा कॉबल स्टोन भी ले लिया जाए, है ना गाइस। और अब एक काम करते हैं, ये थोड़े से ले लेते हैं, इसको लगा लेते हैं इधर कॉर्नर में, वन टू फोर, और ये जो लॉक्स है इतने सारे, कुछ लॉक्स को स्मेल्टिंग पे लगा देते हैं गाइस, तब हम लोगों को अपने घर के लिए चारकोल भी मिल जाएगी, और चारकोल के साथ हम लोग अपने आगे भी बढ़ पाएंगे। ओके गाइस, तो आठ इधर, आठ इधर, आठ इधर, आठ इधर, दस इधर, दस इधर, दस इधर, दस इधर, आप देख सकते हैं इसी से इतनी उजाली हो गई है। तो अब मैं कुछ ये प्लैंक्स लूँगा और इससे क्राफ्ट करूंगा डोर। और डोर को कहाँ लगाएं,
मेरे हिसाब से थोड़ा सा फ्लैटनिंग करना पड़ेगा गाइस। है ना गाइस, तो यहाँ पर लगा देते हैं अपने दरवाजे, कुछ ठीक नहीं लग रहा यहाँ, ज़्यादा ठीक लगेगा। यस गाइस, हाउ आई ना फीलिंग घर वाली। है ना गाइस, तो क्या करते हैं, थोड़ा सा कोबल स्टोन लगा देते हैं और इधर से जाते हैं, लेते हैं थोड़ी सी ये, मुझे नहीं आता किसी चेंज करती गाइस, क्योंकि ना ये स्टेयर्स तो पैर है, छः ही तो मिलते थे, अब भी जो भी है मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, अगर चेंज कर दी तो मेरे लिए ही अच्छी है। तो गाइस अब एक काम करते हैं, हम लोग थोड़ा जाकर देखते हैं अगर आसपास में कहीं शुगर केन वगैरह मिलती है तो, और क्योंकि गाइस शुगर केन अभी प्लांट कर लेंगे तो बाद में जब एन्चेंटिंग वनचेंटिंग करना होगा तो काम देगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि क्या जाएं, क्या ये वर्थ इट होगा? हाँ गाइस वर्थ इट, जिंदगी में कुछ भी खराब नहीं होता। ओके गाइस, 14 तो है, जिसका मतलब ये मेरा मुझे आराम से कुछ दे। आप जैसा आपने देखा, मैंने गेम को भी देखा दे दिया। फिर तो लैग स्पाइक आया क्या गाइस, वीडियो देखने से पता चले। ये 10 10 10 10, तो भाई एक काम करते हैं, 20 लेते हैं, 20 को 4 में डिवाइड कर लेते हैं, 5 5 5 5, और इधर में से ये लॉक्स की जगह ये चारकोल घुसा देते हैं। तो गाइस इससे हम लोगों की ईजीनेस बढ़ जाएगी थोड़ी सी, और गाइस सबसे पहले ये शुगर केन घर में थोड़ी और है शायद, ओह माय गॉड डर्ट नहीं, तो ये शुगर केन को जाकर बाहर प्लांट कर लेते हैं। आप देखते हैं अगर पास पास में कहीं गाय वाय होगी तो लोग मार लेंगे। मैं तो कहता हूँ हर सर्वाइवल प्लेयर को एक बार ना एक बार शुगर केन प्लांट करनी चाहिए। फिलहाल तो मेरी फूड सिचुएशन बड़ी ख़राब दिख रही है, क्योंकि गाइस मेरे पास खाने के नाम पर अभी खाली एक हवा है, और हवे से तो ये लोग हंगर बार तो भरेगा नहीं, तो गाइस हम लोग को माइनिंग थोड़ी करनी पड़ेगी, और मैं भी क्या माइनिंग कह रहा हूँ, सॉरी गाइस माइनिंग नहीं, हंटिंग करनी पड़ेगी। चिकन बाबा लोग जल्दी सा जाओ, आई आज तो चिकन कबाब खाएंगे, नहीं सजा के कच्चा चिकन खाना पड़ेगा। तुआ है, तुआ तू किधर भाग रहा है रे, तू भी आ। ओके गाइस, तो इतनी काउस काफ़ी होनी चाहिए हमारी भूख मिटाने के लिए कुछ समय तक। और अगर काउस काफी नहीं तो कुछ कुछ सुअर भी हैं। लगता है और एक चिकन बर्बाद करनी पड़ेगी।
ओह माय गॉड, हंगर इफेक्ट आ गई। और कोई नहीं है? अच्छा शीप है, तो मटन का भी इंतजाम हो गया। बीस क्या ड्रॉप करती है? कुछ नहीं। है ना गाइस, तो मुझे लगता नहीं यहाँ पर और कुछ मिलने वाली है, तो चलिए घर चलते हैं और वहाँ पर से देखेंगे अगर थोड़ी माइनिंग कर सकेंगे। अब गाइस वीडियो मुझे कम से कम आधे घंटे की बनानी है, और आधे घंटे से बड़े होने से आप देखोगे नहीं, तो मैं एक काम करूँगा, माइनिंग जो है मैं ऑफ कैमरा कर लूँगा, क्योंकि गाइस ये माइनिंग का काम किसी को दिखने अच्छा नहीं लगता। और मैं सोच रहा था मैं तो मॉन्टाज बना लेते हैं, लेकिन छोड़ो, आप लोग भी क्या याद रखोगे। वैसे गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ऐसे तो ये डायलॉग आप हर किसी का सुनते होंगे और सबको ये शुरुआत में बोलते हैं, लेकिन मैं अकेला आपको ऐसा आदमी दिखूंगा जो ये डायलॉग लास्ट में बोलता है। अच्छा ये सीड्स क्या कर रहे हैं इधर? है ना, ये टॉर्चेस बना लेते हैं कुछ। तो ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया कर वीडियो को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर ही दीजिएगा, क्योंकि गाइस आप लोगों की मेहरबानी है। अब एक काम करते हैं, तो 1 2 3 4 क्या लगता है गाइस, ये वर्थ इट होगा? ना, वर्थ इट नहीं है। क्योंकि ना गाइस पूरा एक कोल बर्बाद करना, वो भी खाली एक टीम के ऊपर, फायदेमंद नहीं लॉस ज़्यादा है। मुझे लगता नहीं एक से ज़्यादा लगनी चाहिए। नहीं गाइस, एक और लगेगी, इधर से भी एक और लगेगी, इधर में भी एक और लगेगी। ओके फाइनली मैं कुछ अच्छा खा सकूंगा। ओके गाइस, तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, खुदा हाफिज। आज आपको जो अच्छा लगे आप वो समझें। ये लकड़ी को रखते हैं उधर, एक्स को इधर, फूल को इधर, फेदर्स को इधर। ओके गाइस, तो मैं आपको मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ किसी और दिन। तब तक के लिए देखते रहिए मेरा चैनल और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंड टिल देन, PEACE